Thank you for giving me the chance, Honorable Speaker, sir. I'd like to ask the Honorable Minister, when it comes to medical devices, the two highly, the most used medical devices by the poor in this country are pacemakers and knee replacements. What is the government doing specifically to make the available the use of affordable, technologically advanced pacemakers? Because this is a technology that changes very rapidly, and you see that the current pacemakers are very small in size. So this is something that should also be given, the benefit of which should be given to the poor. So specifically for pacemakers and for knee replacement, for the implants, what is the government doing for these two medical implants? Because these are the most widely used. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेडिकल डिवाइस के संदर्भ में कई मेडिकल डिवाइस उसकी कीमत बहुत होती है, जैसे स्टेंट, जैसे नी इम्प्लांट। ऐसी स्थिति में सामान्य और मध्यम वर्ग खर्च को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमने 4 मेडिकल डिवाइस की प्राइस कैप की है, और 20 मेडिकल डिवाइस ऐसे है जिसको हमने ड्रग्स की डिफिनेशन में लाया है, इसलिए उसका प्राइस कंट्रोल किया जाए। और अगले दिनों में ऐसे 8 मेडिकल डिवाइस हमने आइडेंटिफाई किया है, वो मेडिकल डिवाइस को भी हम ड्रग्स के डिफिनेशन में लाएंगे। मुझे बताते हुए सदन को ये खुशी हो रही है कि हमने पहले जो स्टेंट है वो मार्केट में 2 लाख रुपीज, 3 लाख, 2-2.5 लाख रुपीज में मिलता था, और जब पेशेंट को हम एडमिट करते हैं, मैं वही बता रहा हूँ, बताओ, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो पेसमेकर ये दादा है ना, इसका जवाब कहीं मत दिया करो। पेसमेकर इट्स वन टाइप ऑफ मेडिकल डिवाइस। पेसमेकर इट्स वन टाइप ऑफ मेडिकल डिवाइस। आई नो तो इस स्थिति में मेडिकल डिवाइस का अभी प्राइस हमने कैप करना शुरू किया है। 20 मेडिकल डिवाइस हमने और उसमें इंक्लूड किया है, और उसके आधार पर आम जनता को फायदा होगा। श्री गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका।